नमस्कार, वार्तालाप टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिखा सक्सेना। कोरोना वायरस के चलते बंद हुई दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से फिर से एक बार शुरू होने जा रही है। वहीं पहले केवल येलो लाइन पर मेट्रो चलेंगी और उसके बाद धीरे धीरे रूट शुरू किए जाएंगे। और जो मेट्रो कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले ऐसे स्टेशन जनता के लिए बंद रहेंगे। अगर यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तो उन स्टेशनों पर भी मेट्रो नहीं रोकी जाएगी। गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो और नोएडा की एक्वा लाइन भी 7 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। सोमवार से पहले दिल्ली मेट्रो ने सारी तैयारियां पूरी तरह कर ली हैं और जो स्टेशन खुलने वाले हैं वहां कोरोना को देखते हुए सभी तरह के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। वहीं खोले जाने वाले मेट्रो स्टेशन पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। आप एक डीएमआरसी कर्मचारी को कोच की सफाई करते हुए भी देख सकते हैं। और वहीं साथ ही साथ ऑटो थर्मल स्क्रीनिंग कम हैंडल सैनिटाइजर मशीन पैसेंजर के सामने आते ही तापमान नाप लेगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो यात्री को मेट्रो में सवार होने की अनुमति नहीं होगी और न ही उसे अनुमति दी जाएगी। और उस साथ ही साथ उसे नजदीकी मेडिकल सेंटर जाने को कहा जाएगा। यही शुरुआत हो चुकी है मेट्रो चलने की और तैयारियां और इंतजाम किस तरह है आप देखते रहिए वार्तालाप टीवी पर। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए वार्तालाप टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज़।